अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। तो जनाब, आज हम लोग जो है ना निकल रहे हैं ब्लू माउंटेन के लिए, और मैंने सोचा चले मैं आपको भी जो है ना बताती चलूँ और आपको दिखाऊं कि तैयारी हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। सामान वगैरह हमने रख लिया है, ये बच्चे अब आ गए हैं और बस हम ज़रा वेट कर रहे हैं, और इनके बाबा का वो गए हुए हैं ज़रा थोड़ा काम से, तो बस आते हैं तो हम लोग निकल रहे हैं। जवाद, किधर जा रहे हो आप? जवाद से इतनी भी जो है ना ये सन इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सुबह सुबह का टाइम है, 9 बजे का टाइम है, और जो है ना गड़म, ये गड़म है। ओके हबीबा, किधर जा रही हो आप? हबीबा बहुत एक्साइटेड है, और जो है ना ये जवाद भी। जवाद किधर, आपने वैसे क्या क्या करना है? The paddle boat, and then there's this. The paddle boat, I'm guessing going. There's this climb thing in. It's near the ridge runner, and it goes up into the forest, and you need to climb around. Yeah. Habiba, don't go on. If you're watching this, don't go on zipline, or else if you fall, yeah, I'm going on it though. अच्छा जी, हम मामू के घर के पास गए थे, लेकिन उन लोगों ने जो है ना अभी तक वो हमें कोई बाहर नजर नहीं आया। था कोई बंदा नहीं था। अब मैं जा रहा हूँ पेट्रो कनाडा में पेट्रोल भरने के लिए। ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे रास्ते में रुके हैं, यहाँ मामू वगैरह भी, हम लोग घर से थोड़ा सा आगे जाके हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पे। हम लोग चले बच्चों ने टी होटल से कुछ चाय कॉफ़ी कुछ लेना है तो वो ले लें। अच्छा जी, यहाँ पे हुआ कुछ यूँ था कि हमज़ा कह रहा था कि आज ही इसकी एक्चुअली गाड़ी इसके नाम लगी थी, और गाड़ी इसने न्यू ली। कहता जी मैं टेस्ट ड्राइव करनी है, मैं भी अपनी गाड़ी सेपरेट उठाता हूँ, पहले हमारे साथ आया ये। तो फिर ये हम लोग वापस गए और इसको जो है ना जा कर गाड़ी इसने उठाई। आगे हमारे जो है ना हमज़ा और जुनेद बैठे हुए हैं, और इस गाड़ी में रेड वाली कार में जो है ना हमज़ा जुनेद जा रहे हैं। हम सब लोग अब जो है ना इकट्ठे हो के बस हम निकले हैं यहाँ से टिम होटन से, और हम लोग जा रहे हैं जी ब्लू माउंटेन। तो मिल्टन से बेसिकली जो है ना 2 घंटे की ड्राइव है, लेकिन हम रास्ते में अगर 1-2 जगह बंदा रुक जाता है छोटे बच्चों के साथ तो 2-2.5 घंटे लग जाते हैं जाने जाने में। और जनाब हम इस तरह से जो है ना इकट्ठे सफ़र किया, 4 गाड़ियाँ थी हमारी साथ इकट्ठे थे, और ये हमज़ा कभी कभी आगे निकलने की ट्राई करता था, लेकिन हमने कहा कि अगर ये आगे होगा तो बहुत फास्ट गाड़ी ड्राइव करेगा, इसलिए हमने इसको जो है ना दबोच के रखा कि आपने पीछे ही रहना है। लेकिन फिर भी जो है ना 1-2 जगह पे ऐसे ये आगे निकल गया कि जो है ना मैं आगे जाऊंगा, वो थोड़ा सा इसको वो शौक़ था अपनी गाड़ी को तेज़ भगाने का। तो खैर जनाब, इसको हमने अब किया पीछे, और बस जनाब आगे जो है ना हम लोग सब लोग हमें जो है ना फॉलो कर रहे थे, हमारी गाड़ी आगे। और ये देखें जनाब ग्रीनरी, और आपको रास्ते में देखें सब कुछ हम दिखाते हुए जाएंगे। और यहाँ पे ग्रीनरी देखें रास्ते में काफ़ी सारी जो है ना, यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम वैसे इस हमारे मिल्टन साइड पे भी होती है, लेकिन समझ नहीं आती कि ये क्या है। लेकिन यहाँ पे गोल्डन गोल्डन से जो भी आपको खेत ये नज़र आ रहे हैं, ये देखें ये सब जो है ना गंदम के भी
जाए गन्ना पक चुकी है यहाँ पे और कुछ जगह पे तो है इसकी कटाई भी स्टार्ट हो चुकी थी। बस ये चना हमने काफी ये चीज मैंने देखी और मुझे अच्छी लगी कि ये चना काफी गन्ने की भी जाना बिजाई की जाती है। ये देखिए सारे जो ऊपर नीचे खेत आप नजर आ रहे हैं लगाई हुई है और जो कोर होती है चिड़िया उसकी भी जाना खेत काफी हमने देखे यहाँ पे और ग्रीन ग्रीन थे और सब लगी हुई थी अभी अपने सफर की तरफ जाए। रमान तमाम आप भी हमारे साथ इंजॉय करें हमारे सफ़र को तो इंशाल्लाह जो है ना आपको जो है ना साथ साथ हम दिखाते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे कटाई होने के बाद जो है ये इस तरह से ये रोल से बना के यहाँ रखे गए हैं। ये फार्म हाउस है और आप लोग हमारे साथ साथ इंजॉय करते जाएंगे। चले आपको रास्ते का सफ़र दिखाऊँ तो वीडियो खैर काफ़ी लंबी हो जाती है इसलिए मैंने जो है ना सफ़र की सेपरेट इस दफ़ा मैंने वो की है कि चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत इस तरह से दिखा सकूँ। तो नेक्स्ट जो हमारी वहाँ की राइड्स वगैरह की बच्चों की होंगी वो सेपरेट मैं आपको दिखाऊंगी, आपने ज़रूर वॉच करना है। ये बड़ा मज़े की जो है ना यहाँ पे जगह हमने रास्ते में देखी और आप भी देखें इंजॉय करें। अच्छा जी ये देखें ये थोड़े थोड़े वक्फे के बाद ही जो है ना गंदम के खेत हमें नज़र आते। मैं वहीं पे जो है ना कुछ किसी जगह मैंने पिक्चर्स ले ली और कुछ जगहों पे मैंने जो है ना उनकी वीडियो बना ली। देखिए हमारा भाई भी जो है ना पीछे पीछे इसका बस नहीं चलता ये बिल्कुल ऊपर चढ़ाई हुई थी इसने गाड़ी और ये पीछे मामू की और फिर इस तरह से आगे पीछे हम लोग आते गए। और ये देखें ये जो है ना येलो फ्लावर्स हैं ये डैंडीलाइन फ्लावर्स हैं। हबीबा कह रही है कि डैंडीलाइन फ्लावर्स हैं लेकिन मुझे ऐसे लगा कि जैसे ये सरसों के खेत होते हैं येलो येलो से ये इस तरह से हैं लेकिन पता नहीं ये करीब से देखते तो हम जो है ना चलती हुई गाड़ी में हम लोग रिकग्नाइज नहीं कर सके कि ये जो है ना क्या चीज़ है और किस चीज़ के फ्लावर्स लगे हुए हैं। येलो डेजी फ्लावर्स हो सकते हैं पता नहीं क्या होगा ये। बहरहाल जी हम लोग ये देखें ये इधर भी खेत आपको नज़र आएंगे ये सारे तो बड़ा ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत से मंज़र। और ये देखें तो जनाब इस तरह से हमारा ये सफ़र रहा और हम लोग ये रास्ते में जाना पेट्रोल के लिए यहाँ पे हमजा गैस जैसे डलवाने थे अपनी गाड़ी में हम यहाँ पे रुके और बस हम यहाँ पे जाना अब थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे 10-15 मिनट हमें यहाँ लग गए तो हम लोग आगे की तरफ निकलेंगे।
अच्छा जी, तो यहाँ पे हम लोग बस अब चल पड़े हैं। यहाँ पे हमारा जो GPS है वो अभी इस जगह पे 32 मिनट्स बता रहा है। अच्छा जी, ये देखें आपको जो है ना ये साइडों पे सारे घर नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, और बहुत सारी जो है ना काफ़ी लैंड जो है ना फ्री पड़ी हुई है, यानी कि सिर्फ काश्त फसलें वगैरह ही काश्त की हुई है उन्होंने। लोग यहाँ पे रह रहे हैं और कुछ घर बने हुए हैं, और क्योंकि कनाडा जो है ना दुनिया का जो है ना लैंड के हिसाब से काफ़ी बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना कंट्री है ये, और इसलिए जो है ना यहाँ पे ये नहीं कि पूरा फुल जो है ना जिस तरह हमारे पाकिस्तान में इंडिया बांग्लादेश जो है ना उसमें बड़ा ही कंजस्टेड सा होता है सारे घर बने हुए, यहाँ पे बहुत दूर दूर जो है ना इस तरह से कम्युनिटी बनी हुई होती है। तो बाकी फार्म हाउस हैं और ये फसलें वगैरह काश्त की हुई हैं यहाँ पे। ये देखिए हम ऐसे रास्तों से गुजर के गए और काफ़ी दूर जो है ना इस तरह से जो है ना उन लोगों ने ये बनाया हुआ है, और ये भी एक फार्म हाउस नज़र आ रहा होगा आपको, ये देखें। और यहाँ पर ये फिर दोबारा से गंदम आ गई। तो चलें जी, यहाँ पे जो है ना अब हम आपको जो है ना आगे आगे बताते हैं कि हबीबा से बेसिकली पूछती हूँ मैं कि हबीबा के जो है ना ब्लू माउंटेन जो है ना वो यहाँ से जो है ना 21 किलोमीटर 21 मिनट्स के डिस्टेंस हमें बता रहा है हमारा GPS, और हम लोग जा रहे हैं आगे। और क्या ये ब्लू माउंटेन वाकई में ब्लू है? No, the blue mountain is not blue, it's green. And the light that shines on the blue mountain makes it look blue, but it's not actually blue. अच्छा जी, जनाब चलें आप भी साथ साथ हमारे देखें और इंजॉय करें।
we went to the Toronto Island Park, and they have where's the game? They have something similar to the gondola, and I was old enough to go alone, so I went alone, and I got trapped in the middle of I got trapped in the middle of the lake. Like the ride stopped, and I stopped in the middle of the lake. I want to ride the so one wrong move, and I was fishing. Whoa, there's so many cars. Next time, there will be double people. चलें जी हम लोग तो पहुँच चुके हैं. हमसा एक्चुअली हमें नज़र नहीं आ रहा, दूर तक उनकी गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी, तो हमने कहा कॉल करके पता करते हैं कि वो कहाँ रह गए, कहीं रास्ते में कहीं रुक गए हैं. तो इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पे पहुँचे. अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है ना सफ़र बहुत ही अच्छा गुजरा, खूब इंजॉय किया बच्चों ने, हल्ला गुल्ला करते हुए यहाँ तक पहुँचे. और मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आएगा. नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए हमें दे इजाज़त. अगले व्लॉग में आपको मैं सब कुछ दिखाऊंगी, हमने कौन कौन सी बच्चों ने राइड्स वगैरह ली. और अल्लाह ताला आप सबको भी हिफ्ज़ो अमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें. अल्लाह हाफिज़.